मूवी के शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर ब्रेड को देखते हैं, जो एक पायलट था जो एयरपोर्ट में आगे बढ़ रहा था, साथ ही में अपनी बेटी से बात कर रहा था। वो उसे कहता है कि मैं काम ख़त्म करके जल्दी तुमसे मिलने आऊँगा। इसके बाद ब्रेड अपने एरोप्लेन में आकर अपने साथी से मिलता है और दोनों अपने अपने बारे में बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद ब्रेड को बाहर बुलाया जाता है। एक ऑफिसर उसे बताता है कि इमरजेंसी की वजह से एक कातिल को तुम्हें अपने साथ ले जाना पड़ेगा, जो बहुत ही ताकतवर है, जिसका नाम टोनी है। हम इसकी जिम्मेदारी तुम्हें दे रहे हैं क्योंकि तुम बहुत ही काबिल हो। और ब्रेड मान जाता है और अपने बाकी स्टाफ से आकर मिलता है और ये आपस में बात करने लगते हैं कि सारे मुसाफिर आ गए हैं या नहीं। जैसे ही सारे लोग प्लेन में आकर बैठ जाते हैं, ये अपनी उड़ान शुरू कर देते हैं। ब्रेड अपने साथी पायलट को बताता है कि ये मेरी बेटी है और मैं बहुत जल्द इसे मिलने वाला हूँ, हमारा एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। फिर ये रात तक प्लेन में सफ़र करते रहते हैं और अचानक मौसम बिगड़ने लगता है, जिसको देखकर ब्रेड बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ सही नहीं लग रहा था, इसलिए वो सभी पैसेंजरों को सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है। वो रेडियो स्टेशन पर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सारे कनेक्शन टूट जाते हैं। और तभी बिजली का एक तेज़ झटका प्लेन से आकर लगता है, जिसकी वजह से प्लेन हिलने लगता है और ब्रेड को फिक्र होने लगी थी। अब वो पीछे जाकर सारे मुसाफिरों को देखने जाता है और देखकर खुश होता है कि सारे मुसाफिर अब ठीक थे। अब धीरे धीरे करके प्लेन की लाइट्स बंद होने जा रही थी और फिर से एक बार प्लेन को झटका लगता है, जिससे ब्रेड गिर जाता है और उसके माथे पर चोट लगती है। इन सब चीज़ों से सारे पैसेंजर डर गए थे। अब ब्रेड वापस केबिन में आकर वापस प्लेन को संभालने लग जाता है। ये समय उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तो रेडियो भी काम नहीं कर रहे थे और सामने स्क्रीन पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी ब्रेड कहता है कि हमें प्लेन को नीचे लाना होगा, क्योंकि अगर प्लेन को एक और झटका लगा तो प्लेन तबाह हो जाएगा। तभी ये प्लेन नीचे लेने लगते हैं और सारे मुसाफिर डरे हुए थे। एक औरत अपना सीट बेल्ट खोल लेती है, जिसको देखकर टोनी का ऑफिसर भी अपना सीट बेल्ट खोल लेता है। जब प्लेन नीचे जा रहा था तो सारे लोग ऊपर की तरफ टकराते हैं, जिससे फौरन उसकी एक की मौत हो जाती है। प्लेन जल्दी से नीचे आने लगता है, तब ब्रेड और उसका पायलट दोनों उस प्लेन को कंट्रोल में ले लेते हैं। तभी एयर होस्टेस आकर बताती है कि मुसाफिरों की हालत बहुत ख़राब हो रही है। ब्रेड कहता है कि सबको संभालो, हम जल्दी एक एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। अब उनका प्लेन एक आयरलैंड के ऊपर से गुजर रहा होता है, तो वो लोग यहीं पर अपना प्लेन उतारने का प्लान बनाते हैं। अब वो किसी तरह से प्लेन को यहाँ उतार देते हैं। उन्होंने ये इमरजेंसी लैंडिंग की थी, लेकिन अब सब सुरक्षित हैं। अब ब्रेड पीछे जाकर सभी को प्लेन से नीचे उतरने के लिए कहता है। तभी प्लेन का मालिक भी थोड़ी देर में देख लेता है कि प्लेन कहीं गायब हो गया है। उसने भी प्लेन को लैंड होते हुए नहीं देखा था और रेडियो ख़राब होने की वजह से उनकी बात भी नहीं हो पाई थी, इसीलिए वो थोड़ा परेशान हो जाता है। अब एयर होस्टेस ब्रेड को बताती है कि टोनी को लाने वाले ऑफिसर की मौत हो गई है, जिसको सुनकर ब्रेड को दुख होता है, लेकिन वो कहता है कि चलो ठीक है, बाकी ऑफिसरों और पैसेंजरों का ध्यान रखो। अब सारे लोग परेशान थे कि हम यहाँ क्यों उतरे हैं, लेकिन ब्रेड सबके पास आकर बताता है कि इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से हम यहाँ पर उतरे हैं। ब्रेड उनको कहता है कि प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली मौजूद है, जिसे हम सारे बाकी के उपकरण को ठीक करेंगे। प्लेन से हमें खाना और पानी मिलेगा और थोड़ी देर में हम वहाँ पर संपर्क करके यहाँ से निकल जाएंगे। उधर प्लेन के मालिक की मुलाकात एक रेस्क्यू ऑफिसर से होती है, जो ऐसे लोगों को खोज निकालने का काम करता है जो मुश्किल में फंसे होते हैं। प्लेन का मालिक उससे कहता है कि मुझे मेरे प्लेन की जानकारी, मेरे सारे वर्कर्स, पायलट, सब की जानकारी चाहिए, वो सारे लोग कहाँ गए। अब ब्रेड प्लेन को ठीक करने में लग जाता है और देखता है कि प्लेन में पावर कट बहुत ही कम है, इसीलिए इनको अब इंतज़ार करना होगा, क्योंकि रेडियो भी काम नहीं कर रहा। अब ब्रेड का साथी पायलट उसे बताता है कि हम एक आइलैंड पर फंसे हुए हैं, ये कोई आज़ाद जगह नहीं है, ये एक प्राइवेट आर्मी का कब्जा था, ये आर्मी पूरी गुंडों से भरी हुई थी, कोई अच्छा आदमी यहाँ नहीं था। इस आर्मी ने हमें कोई भी नुकसान पहुँचाया तो हमें गवर्नमेंट भी नहीं बचा पाएगी। ये सुनकर ब्रेड कहता है कि हमें किसी भी तरह से रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाना ही होगा, वो आकर हमें बचा लें, क्योंकि यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। ब्रेड सबके पास आकर बताता है कि किसी कारणवश रेडियो अभी भी काम नहीं कर रहा। ये सुनकर सारे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब ब्रेड उन्हें बताता है कि हम आयरलैंड के दूसरी तरफ जाकर मदद के लिए ट्राई करेंगे, अपना रेडियो खोजेंगे और हम अपनी रेस्क्यू टीम से कॉन्टेक्ट करेंगे, जो हमें आकर बचा लेंगे, और मेरे साथ टोनी जाएगा। ये कहकर वो टोनी की हथकड़ी खोल देता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं।
अब हम आर्मी के हेड को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आकर बताता है कि यहाँ एक प्लेन क्रैश हुआ है और उस प्लेन के अंदर वो सारे लोग हैं जो अलग अलग मुल्कों से हैं। इस जानकारी के लिए आर्मी का हेड उसे कुछ पैसे देता है। अब हेड सबको तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि ये लोग उन सबको अब लूटने जाने वाले थे। अब ब्रेड और टोनी दोनों जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं तो टोनी ब्रेड से पूछता है कि तुमने मुझे आज़ाद क्यों किया और तुम अब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। ब्रेड कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से सबको खतरे में नहीं डाल सकता और यहाँ एक ख़तरनाक प्राइवेट आर्मी है जिसे तुम्हें और हम दोनों को मिलकर सामना करना है। अचानक टोनी चुप हो जाता है तो ब्रेड पीछे मुड़कर देखता है तो वो वहाँ नहीं था, वो गायब हो गया था। उधर रेस्क्यू एक्सपर्ट प्लेन की जानकारी निकालने में लग जाता है। वो एक वीडियो देखता है जिसमें ब्रेड एक पैसेंजर को लड़ते हुए बीच में पकड़ कर उसे मारता है। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो गया था और एक प्राइवेट कंपनी के मालिक से बात करता है और कहता है कि आप तैयार रहिए, हमें कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। जंगल में ब्रेड आगे बढ़ रहा होता है तो उसे एक खाली कंटेनर सा दिखता है जिसमें जाकर वो एक रेडियो जैसा कुछ देखता है। उसे देखकर वो काफ़ी खुश होता है। अब वो फ़ोन लगाता है और हेल्पलाइन पर अपनी बात बताता है। अब लाइन में गड़बड़ी होने की वजह से सामने वाला इंसान उसकी बात सुन ही नहीं पाता। अब उसे एक आइडिया आता है, वो अपनी बेटी को फ़ोन मिलाकर ये सारी बातें अपने ऑफिस तक पहुँचाने के लिए कहता है। तभी एक आदमी पीछे से आकर ब्रेड पर हमला कर देता है और ब्रेड भी उसे काफ़ी मारता है और उसे बेहोश कर देता है। अब ब्रेड को लगता है कि और भी लोग इस कमरे में आ रहे हैं और जल्दी से छुप जाता है, लेकिन अब यहाँ और कोई नहीं, वो टोनी था। उसने सारे गुंडों को मारकर उनके हथियार ले लिए थे। वो ब्रेड को अब आवाज़ लगाने लग जाता है और अब कुछ ब्रेड को भी हथियार दे देता है, जिसके बाद ये दोनों नीचे की तरफ आने लगते हैं। नीचे वो एक कैमरा लगा होता देखता है जिसमें वो देखता है कि ये प्राइवेट आदमी यहाँ पर लोगों को अगवा करके उन्हें लूटने लगती है, उनको अगवा करके उनकी फैमिली से अच्छी खासी रकम लेती है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि हमारे मुसाफिर भी अब खतरे में हैं। अब ये दोनों बाहर निकलकर एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। अब सारे मुसाफिर बैठे हुए थे तभी उनको गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई देती है तो उसको सुनकर काफ़ी खुश होते हैं। वे सोचते हैं कि ब्रेड है, लेकिन वो ब्रेड नहीं है तो वो प्राइवेट आर्मी थी जो गोलियां चलाकर इन लोगों की तरफ बढ़ रही थी। इन गोलियों की आवाज़ अब ब्रेड और टोनी ने भी सुन ली थी। प्राइवेट आर्मी का हेड पायलट से सभी पैसेंजरों की लिस्ट मांगता है। तभी एयर होस्टेस उसे जल्दी से लिस्ट लाकर दे देती है। तब वो पूछता है कि तुम्हारा सीनियर पायलट ब्रेड कहाँ पर है। वो बताता है कि किसी काम से वो जंगल में गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। तभी अचानक एक औरत वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करती है तो ये लोग उसे मार देते हैं। ये आवाज़ सुनकर ब्रेड उनकी मदद करने के लिए भागता है लेकिन टोनी उसे रोक लेता है। अब गुंडे उन्हें सारे पैसेंजरों को बस में बैठाने लगते हैं क्योंकि वो उन्हें साथ ले जाना चाहते थे। अब हेड अपने आदमी से कहता है कि प्लेन में जाओ और सारे सामान को बस में लाकर रख दो। अब वो सारे मुसाफिरों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब ब्रेड टोनी पर गुस्सा करने लगता है कि अब वो हमारे लोगों को ले गए, तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया। तभी टोनी उसे समझाता है कि वो बहुत बड़ी आर्मी है, उनके पास काफ़ी हथियार हैं, तुम अकेले उनसे नहीं लड़ पाते। अब ये प्लेन में जाकर उन दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं जो कीमती सामान ले रहे थे। ब्रेड उन गुंडों को गन पॉइंट पर लेकर पूछता है कि वो लोग कहाँ गए हैं, जिस पर वो बताता है कि यहाँ पास ही में एक खाली फैक्ट्री है, वहीं गए होंगे। अब रेस्क्यू ऑफिसर को भी उनका वहाँ होने का पता चल गया था कि वो एक आइलैंड पर फंसे हुए हैं और साथ ही वहाँ पर एक खतरनाक आर्मी भी है। वो इस बारे में प्लेन कंपनी के मालिक को बताता है और तब वो इस पर कहता है कि हमारी प्राइवेट टीम और रेस्क्यू टीम को वहाँ पर भेजो, ये रडार की मदद से उस प्लेन को ढूंढ ही लेते हैं। जिस पर रेस्क्यू ऑफिसर कहता है कि हमारा एक लीडर वहाँ पर जाएगा। ब्रेड और टोनी गाड़ी की मदद से उस फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे जिसके पास जाकर चुपके से ये अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर ये सारे गुंडे उन मुसाफिरों की वीडियो बना रहे थे कि कौन सा मुसाफिर किस मुल्क से है। अब रेस्क्यू टीम भी वहाँ पर प्लेन के पास पहुँच जाती है और वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता है, लेकिन प्लेन के अंदर जाने पर देखते हैं कि वहाँ पर दो लोगों की लाशें थी और उन्हें केबिन में ब्रेड का छोड़ा हुआ मैसेज भी मिल जाता है जो कि उस फैक्ट्री तक आने का रास्ता था। वे फैक्ट्री में जाकर दो गुंडों को पीछे से जाकर पकड़ लेते हैं, उनका मुंह बंद करके उनका दम घोट देते हैं, मार देते हैं। अब ये खुफिया दरवाजे से आगे बढ़ते हैं। अब ये कमरे के सामने जा खड़े होते हैं जहाँ पर उन सारे मुसाफिरों को कैद किया हुआ था। वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए थे। अब टोनी अपने पास में पड़े हुए हथौड़े को उठाकर उनके पास जाकर सबको मारने लग जाता है। अब ब्रेड एक गुंडे से चाबी लेकर उन मुसाफिरों को आज़ाद कर देता है। वो सबको कहता है कि जल्द से जल्द प्लेन के पास पहुँचो, मैंने रेडियो के जरिए मदद मंगवाई है।
रेस्क्यू टीम आती ही होगी, वो सब गोबस में बताता है। लेकिन तभी टोनी उसके पास आकर कहता है कि बाहर बहुत सारे गुंडे खड़े हुए हैं, हम यहाँ से नहीं निकल सकते। वो टोनी से कहता है कि मैं गुंडों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम सारे पैसेंजरों को लेकर यहाँ से निकल जाना। अब वो यहाँ से निकल जाता है और टीम के उन गुंडों के पास जाकर बात करने लगता है कि मेरी टीम यहाँ पर आ रही है, मैंने रेस्क्यू टीम बुला ली है। वो कहता है कि तुम मेरे मुसाफिरों को जाने दो। अब पीछे से एक आदमी आकर उसे मारने लगता है। अब गुंडों का हेड कहता है कि मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा, सबके पकड़कर उनसे पैसे वसूल करूंगा। जैसे ही एक आदमी उसे मारने के लिए गन पॉइंट पर लेता है, तभी वहाँ पर प्राइवेट आर्मी आकर उन्हें मारने लगती है, जो कि रेस्क्यू टीम होती है। ये काफ़ी गोलीबारी करते हैं जिसमें काफ़ी गुंडे मारे जाते हैं। इसके बाद वो ब्रेड को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। ब्रेड बस में लेकर बैठकर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि गुंडों का हेड उठकर और उसका एक भाई मारा गया है। अब उसे काफ़ी गुस्सा आता है तो वो अपनी टीम को कहता है कि सारे लोग हथियार ले लो और तैयारी करो, अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे। ब्रेड बस के अंदर उस टीम से बात करने लगता है जो इन्हें बचाने आई थी, तो वो कहते हैं कि हम एक छोटी सी प्राइवेट टीम है जो बस तुम्हें हम बचाने के एक मिशन पर आए हैं, हम कोई रेस्क्यू टीम नहीं है, उन्हें आने में तो अभी और भी वक्त है। ये सुनकर ब्रेड घबरा जाता है लेकिन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो सबको लेकर प्लेन के पास आ जाता है। ब्रेड सारे लोगों को कहता है कि एक प्राइवेट टीम हमारी मदद के लिए यहाँ आ गई है, उनकी मदद से हम प्लेन को चला लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, और आप जल्दी से प्लेन के अंदर बैठ जाइए, हम रेस्क्यू टीम का अब और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते, अब हम और यहाँ रुके तो हम उस प्राइवेट आर्मी के हाथों मारे जाएंगे। ये सब सुनकर सारे लोग प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं और अब ब्रेड प्लेन को ठीक करने में लग जाता है। अब ये गुंडे भी उन पर आकर हमला करने लग जाते हैं और ये प्राइवेट टीम उनको बचाने में लग जाती है। यहाँ दोनों तरफ से ही काफ़ी गोलीबारी होती है। इस टीम के पास काफ़ी सारी गन्स थी जो एडवांस थी, वो काफ़ी गुंडों को मार गिराती है। ब्रेड अपनी टीम को बताता है कि अगले 5 मिनट में मैं प्लेन को स्टार्ट कर दूंगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे। तभी वो टोनी का भी शुक्रिया याद यहाँ पर करता है कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया। तभी ब्रेड गोलियों के बीच से आता हुआ प्लेन के अंदर केबिन में आकर बैठ जाता है और अपने साथी पायलट के साथ मिलकर प्लेन चलाने लगता है। इसी बीच टोनी की गोलियां खत्म हो गई थी और वो गोलियां भरने के लिए एक बैग को खोलता है जिस पैसों से भरा हुआ था। अब वो उस पैसे वाले बैग को छोड़कर पास में पड़े गोलियों वाले बैग से गोलियां निकालकर फिर से फायरिंग करने लगता है। अब ब्रेड भी अपने प्लेन को घुमा चुका होता है और वो प्राइवेट टीम भी प्लेन के अंदर चढ़ चुकी होती है। प्लेन का मालिक भी ब्रेड को कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी सुरक्षित जगह बता दूंगा जहां तुम जा सकते हो। बाकी सारी टीम प्लेन के अंदर चढ़ चुकी थी लेकिन प्लेन के अंदर टोनी नहीं चढ़ता, वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर यहां से भागने के लिए निकलता है। आर्मी का हेड वहां से प्लेन को जाते हुए देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और मिसाइल से उस प्लेन को उड़ाने के लिए गाड़ी में अंदर आ जाता है, जिसे टोनी देख चुका था, वो उसे गोली मारकर गिरा देता है। ये देखकर ब्रेड काफ़ी खुश होता है और वो जल्दी से प्लेन को हवा में लेने के लिए रेडी हो जाता है। अब ये सब देखकर टोनी भी बहुत खुश था और वो वहाँ से पैसों का बैग लेकर निकल जाता है। अब ब्रेड भी प्लेन को लेकर वहाँ से काफ़ी दूर निकल जाता है। अब प्लेन का मालिक ब्रेड को बताता है कि तुम्हें इस प्लेस पर जाना है जो कि सेफ है। अब वो जैसे ही पास में जाते हैं तो ब्रेड का प्लेन फिर से क्रैश होने के लिए लगता है और वो उसे नीचे उतारता है तो वो जंगल की तरफ जाने लगता है। अब तक प्लेन रुक चुका था और सारे लोगों की जान बच गई थी। प्लेन कंपनी का मालिक और उसकी टीम भी अब बहुत खुश थी। ब्रेड और उसका साथी भी अब सुकून की सांस लेते हैं, ये सोचते हैं कि कम से कम हम उस आइलैंड से तो निकल आए और सारे लोगों की जान भी बच गई थी कुछ एक को छोड़कर। अब थोड़ी देर में रेस्क्यू टीम भी आ जाती है और सारे लोग ब्रेड की खुशी लिए तालियां बजा रहे थे। ब्रेड भी सारे लोगों को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है और अपनी बेटी से बात करने लगता है। ब्रेड की बेटी भी काफ़ी खुश थी कि थैंक गॉड मेरे पिताजी अभी भी जिंदा हैं। दोनों आपस में बात करके बहुत खुश होते हैं।